तो जी स्वागत है आज का तकनीक संबंधी समाचार में, यानी कि वेलकम टू टेक्नोलॉजी इनसाइड। और आज के न्यूज के बारे में जानना है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो सबसे पहली खबर की बात करते हैं सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग का गैलेक्सी S21 जो कि 2021 में आने वाला है वो गीकबेंच में लिस्टिंग हो गया। उसका क्वालकॉम वेरिएंट गीकबेंच में लिस्टिंग हो गया, यानी कि जो इंडिया में आएगा वो वाला लिस्टिंग नहीं हुआ है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको क्वालकॉम पर 888 वाला 5nm वाला प्रोसेसर देखने को मिले, मतलब कि उस साल का फ्लैगशिप वाला प्रोसेसर वो देखने को मिलेगा। 8GB वाला रैम वेरियंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करते हैं वो भी सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग का गैलेक्सी M12 ये ब्लूटूथ SSD 30 में लिस्टिंग हो चुका है। फोटो आप देख सकते हैं और यहाँ पे बताया जाएगा कि 5000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करते हैं वो भी सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग का वन वे आपको पता होगा, तो उसका न्यू वर्जन 3.0 वो रोल आउट होना शुरू हो गया है और सबसे पहले आपको गैलेक्सी नोट 20 सीरीज में ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं गूगल के बारे में। तो गूगल ने उसका गूगल इमोजी किचन में 14,000 इमोजी कस्टमाइजेशन कॉम्बिनेशन ये सब ऐड कर दिया है। तो बहुत सारे यहाँ पे आपको कस्टमाइज देखने को मिलेगा और साथ साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन का इमोजी भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं वो एप्पल के बारे में। तो एप्पल का जो आने वाला है मैकबुक प्रो, यानी कि 2021 में जो मैकबुक प्रो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको दो लैपटॉप मैकबुक प्रो के देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ बताया जा रहा है कि यहाँ पे एप्पल ने बता दिया कि यहाँ पे आपको एप्पल का सिलिकॉन चिप देखने को मिलेगा। साथ साथ जो डिस्प्ले होगा वो मिनी LED वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करते हैं रेजर के बारे में। तो रेजर आपको पता नहीं तो लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप वगैरह रेजर का आता है और बहुत सारे लैपटॉप एसेसरीज भी आपको रेजर के देखने को मिल जाता है। तो रेजर ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया उसका एक नया TWS गेमिंग लुक वाला TWS फोटो आप देख सकते हैं। प्राइस की बात करते हैं तो 14,500 के आसपास इसका प्राइस रखा गया है। अगली खबर की बात करते हैं टेक्नो के बारे में। तो टेक्नो का टेक्नो पुरवा ये मैं बता दें कि लॉन्च होने वाला है, तो वो आज लॉन्च हो गया है बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ, अच्छे प्राइस के साथ ये लॉन्च हुआ है। यहाँ पे आपको 6.5 इंच का एक पंचोल वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, G80 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और यहाँ पे 6000mAh का बैटरी देखने को मिलता है। और यहाँ पे प्राइस की बात करते हैं तो जो बेस वेरियंट यानी कि 4GB 64GB उसका प्राइस रखा है 10,000 और जो 6GB 120GB है उसका प्राइस रखा गया 12,000 रुपया। अब ये कहाँ पे मिलेगा, कब से मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट के ऊपर 11 December से। अगली खबर की बात करते हैं ओप्पो के बारे में। तो ओप्पो का Reno5 एंड Reno5 Pro ये दोनों फोन लॉन्च होने वाले, इसका डेट भी कंफर्म हो चुका है, लेकिन उससे पहले इसका लाइव बॉक्स आ चुका है और साथ साथ इसका प्राइस भी पता चल गया है। फोटो आप देख सकते हो, तो ये है Reno5 का फोटो और ये है Reno5 Pro का फोटो। दोनों में एक एडिशनल वेरियंट का भी खबर पता चल गया है कि इस तरह का आपको वेरियंट देखने को मिल जाएगा। और प्राइस की बात करते हैं तो दोनों का प्राइस 30,000 से 40,000 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो Reno5 है उसका एक छोटा वेरिएंट आएगा जो कि 28,000 से 30,000 के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करते हैं मोटो के बारे में। तो मोटो का मोटो जी एक नया वेरिएंट में आपको देखने को मिल सकता है 2021 में और इसका फोटो आप देख सकते हैं, ये एक रेंडर इमेजेस से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। फ्रंट में दो कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको क्वालकॉम का 888 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि फ्लैगशिप प्लस प्रोसेसर है अगले साल का, वो वाला प्रोसेसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और 5000mAh का यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिल सकता है। अब आखिर में बात करते हैं Redmi के बारे में। तो Redmi का Redmi 9 Power इंडिया में आ रहा है, डेट उसका थोड़ा रूमर आ चुका है 15 December को मे भी ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और बता दो अगर आपको पता नहीं है Redmi 9 Power कौन सा है, तो ये रिसेंटली जो Redmi Note 9 चाइना में लॉन्च हुआ था Redmi Note 9 4G वाला, वो यहाँ पे Redmi 9 Power के नाम से लॉन्च होने वाला है और ये कहीं ना कहीं सिमिलर है पोको का जो M3 है उसी तरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का स्वीडन शॉर्ट टेक्नोलॉजी इनसाइड। आई होप आपको पसंद आया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं टेक यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।